सामने बंदा वो जो स्मोक हो रहा है 160 पे, और राइट वाला पे ध्यान रखता जीरो नहीं होना था ना। लास्ट का जोन था, 30 प्लस बंदे अलाइव थे, और जब स्टार्टिंग में हम लोग प्लेन से आ रहे थे तो ऑल चैट पे भाई जो गाली गलौज हुई, जो भाई बारिश हुई, हम तो अब हमको तो आदत हो गई, लेकिन भाई बंदों ने जो गाली वाली दे रहे थे उन्होंने चैलेंज किया कि तुझे तो हम ही मारेंगे और तेरी पेटी बनाएंगे और तू चिकन डिनर तो नहीं ले पाएगा। तो मैंने ठान लिया कि भाई आज के इस वाले गेम प्ले में चिकन डिनर तो हम लोग करके रहेंगे। फिलहाल के लिए हम उतरते हैं जॉर्जो पुल की तरफ। एक स्क्वाड हमारे साथ आ रही थी जो कि वापस लौट के चली गई, तो हम लोग वहाँ पे सर्कल में आपने देखा होगा हम फंस गए थे, जहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के गेम में हम लोग चिकन डिनर कर पाएंगे? क्योंकि लास्ट जोन की जो फाइट हुई वहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई 30-40 बंदे अलाइव हैं, और जहां पे जीतना चिकन डिनर करना लिटरली इम्पॉसिबल था, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। तो हम लोग उसके बाद लूट वगैरह करके जॉर्जो से यहाँ पे आते हैं, गाड़ी चेंज करते हैं। तभी सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, जो कि पहले तो मुझे बॉट जैसा लगा, लेकिन जैसे उसने M4 का स्प्रे दिया तब हमें पता चल गया ये बॉट नहीं, ये बंदा, और इसके टीममेट्स आई थिंक सो रोजॉक में होंगे और इन्हें उन्हें ये रिकॉल करने आया रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग उस बंदे की पेटी बनाते हैं, और वही जो गाली गलौज कर रहे थे ऑल चैट पे, तो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रोजॉक हिल पे आते हैं। अब गाइस जब तक हम लोग उन बंदों को ढूंढते हैं तब तक आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जल्दी जल्दी से जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली हमें यहाँ पे आके एक स्क्वाड स्पॉट हुई जो कि स्कूल में फाइट कर रही थी, और तभी नीचे भाई और भी बंदे स्पॉट हुए। अब यहां फ्री के किल्स उठाते उठाते सामने वाली स्क्वाड ने मुझे अच्छा खासा डैमेज किया, और मुझे थोड़ा फॉल बैक करना पड़ा, नहीं तो पता चला उनका किल उठाते उठाते वही मेरा किल उठा लेते। फिलहाल के लिए उन लोगों ने उन बंदों को भर दिया। और मेरे टीममेट्स ने कॉल दी कि भैया गाड़ी फोड़ दो, गाड़ी के पीछे बंदा है। और जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी फोड़ने आया उसकी तो पेटी बन गई ऑलरेडी। अब यहाँ पे भाई रोजॉक हिल पे पहले ही बहुत घमासान फाइट हो चुकी थी, और हम लोग यहाँ पे लूट वगैरह कर रहे थे इन्हीं की पेटियों से। स्कूल में जो टीम है अभी यहाँ पे जो फाइट होने वाले, वो भाई फाइट देख के आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बवासीर फाइट दिखा दिए हो हमको। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो फाइट चालू होने से पहले, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग यहाँ पे आते हैं स्कूल की तरफ। भाई मैं ऊपर की तरफ गया, ऊपर एक नॉक बंदर पड़ा हुआ था। इसीलिए मैं सीधे भाई ऊपर नहीं आता। वहां पे जब एक बंदा पड़ा हुआ था नॉक, तो मुझे लगा था कि कोई उसका टीममेट भी ऊपर हो सकता है या फिर दूसरा एनिमी, और मैं पीछे के साइड जंप कर जाता हूँ वापस से, लेकिन एक्सट्रीम चला गया ऊपर और उसकी पेटी बन गई, और दोनों एक्सट्रीम चले गए, स्पाइडर मॉन भी गया और एक्सट्रीम भी गया। तो गाइस RIP एक्सट्रीम इन द चैट कर दो आप लोग। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं अकेले छत पे बचा हुआ था। मैंने कजीरो को बोला कि जाके तू रिकॉल करके अपने दोनों टीममेट्स को, कजीरो जाता है और अपने टीममेट्स को रिकॉल करता है। तब तक मैं यहाँ पे छत पे इनसे फाइट ले रहा था, इनका ध्यान बटा रहा था। अब दिक्कत इस बात की थी कि ये बंदे फैल चुके थे और इनके अभी हमने दो बंदे भर दिए थे। अब कन्फर्म ये भी नहीं था कि ये दोनों बंदे इसी टीम के थे या फिर एक बंदा अलग टीम का था और एक बंदा इसी टीम का था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा IQ ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने स्मोक किया लेफ्ट साइड में ताकि इनका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए ये लोग। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ भाई इनके फुट सुनने का ध्यान से, अगर कोई बंदा मुझे यहाँ पे एंगल देता है तो उसकी पेटी बनाऊं। बाहर की साइड ही है क्या? स्मोक हुआ है। मैंने यहाँ पे एक और स्मोक कर दिया, तीनों साइड स्मोक कर दिए जिससे कि इनका ध्यान बढ़ जाए। अब उसके बाद मैं एक स्मोक अंदर भी करने वाला था लेकिन मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब उसी टाइम पे भाई बंदा इधर साइड आ गया, मैं ऊपर आया। लो भाई एक्सट्रीम नॉक दोबारा। भैया बाहर की साइड मार रहा
जोन जोन ऊपर से जोन करे एक्चुअली भाई खाद लगाओ जल्दी कर दो टच कर दो आ गया ये वॉच आउट भाई जाते जाते इस बंदे ने हमारे दो टीममेट को यहाँ पे फिनिश कर दिया था। अब सिर्फ मैं और स्पाइडर बचे हुए थे, हमारे दो टीममेट की बलि चढ़ गई थी और जैसे ही ये जोन टच हो होगा वैसे ही रिकॉल सेंटर भी बंद हो जाता, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने अपने एक टीममेट को रिकॉल कर लिया और फाइनली यहाँ पे हम तीन लोग हो गए। और आपने देखा होगा कि 38 बंदे अलाइव थे जब हम स्कूल आए थे और 32 अलाइव हैं अभी, जबकि जोन देखो आपकी जोन कितना छोटा हो गया है। एंड अभी रुको जरा सबर करो, अभी तो जस्ट पार्टी शुरू हुई है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं बान हाउस पे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी स्पॉट नहीं हुआ था और जोन के बाहर से अभी भी बहुत सारे बंदे आ सकते थे। यहाँ पे कजीरो ने कॉल दिया बग्गी आई, मैं ऊपर की साइड आया सीधे। भाई स्पाइडरमैन की क्या ही वेब शूटर्स हैं भाई, गलत लेवल की, ये जाने नहीं चाहिए। उसी टाइम में मुझे सामने की तरफ से एक बग्गी जाती हुई स्पॉट हुई, मार्क पे चलो। मैंने यहाँ पे मार्क करके बताया अपने टीममेट्स को कि उधर साइड है भाई, मार्क पे चलो। अब जोन देखो आप लोग और बंदे देखो, भाई जोन एकदम हो गया छोटा सा बिंदी बराबर होने वाला है और अलाइव देखो आप लोग 31 अलाइव। अब इसके बाद जो फाइट सीन चालू होने वाले हैं और आज जो होने वाला है यहाँ पे वो देख के आप लोग बोलोगे भाई कि भाई क्या ही स्वाद गेम प्ले था। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई सबसे बड़ी चीज थी जोन प्रेडिक्शन और यहाँ पे हम आगे जा नहीं सकते थे। मैं यहाँ से गाड़ी घुमाता हूँ तभी मुझे लेफ्ट साइड चेक में भी बंदे दिखे, मतलब गाड़ी दिखी बग्गी और एक डासिया लगी हुई। मैंने पीछे वाले चेक में अपने टीममेट्स को बोला कि होल्ड कर लो, यहाँ पे गाड़ी सेव कर लो। जोन टच हो चुका था, बंदे देखो अलाइव। अब देखो भाई जोन अब सच में बिंदी बराबर हो गया है एंड 29 अलाइव। भाई कहाँ से स्प्रे आया उड़ता हुआ एकदम से, एकदम 30% एचपी चली गई मेरी यहाँ पे और जोन से पता नहीं कितने बंदे, चार बंदे जोन से फिनिश हो गए पूरे के पूरे, मतलब एक पूरी की पूरी स्क्वाड जो कि जोन के बाहर थी वो खत्म हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पे 25 बंदे अलाइव थे और अब इस जोन में जो भसड़ होने वाली थी भाई गलत। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी को बारबी को लगाया जोन पे, वो बनाया मैंने, कवर बनाया सामने की तरफ से, फ्रंट से ना पड़े मुझे, और बग्गी को थोड़ा पीछे साइड दूर रख दिया इधर साइड ताकि राइट साइड से अगर कोई बंदे आए तो डायरेक्ट वो हमें ना मार पाए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इस यूएस को थोड़ा सीधा सीधा करके लगा दिया कि अगर जोन हमारा काट देता है तो हम यहाँ पे इस यूएस से चारों बंदे निकल जाएं। और उसी टाइम पे भाई सामने से बग्गी कैसी क्रॉस हो रही थी, सामने बंदे थे, लेफ्ट साइड बंदे, हर जगह बंदे। अरे अपने पीछे बंदा, अब ये भैया AWM चला रहे थे लेकिन इससे पहले कि ये AWM का फटका मुझे देते मैंने इन्हें एक झटका दे दिया और नॉक कर दिया। अब देख रहे हो मैं भाई उसे मारने जा रहा हूँ, स्पाइडर बार बार देखना दरवाजा बंद कर दे रहा है, देखना फिर से बंद करेगा अभी। मैं गांजा वांजा लेके बैठा क्या स्पाइडर मोन? मैंने यहाँ पे ये कोब आरबी को खराब कर दिया पूरा पूरा कि अगर वो बंदा वहां पे रिवाइव हो जाता है तो उन्हें वहां से पैदल ही ओपन से आना पड़े। अब यहाँ पे जो सारा का सारा खेल था वो था जोन का। तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यहाँ पे हम लोग चिकन डिनर निकाल पाएंगे या फिर आज हमारे यहाँ पे पेटी बनने वाली है और चिकन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ, देखते कौन कौन सही बता पाता है। फिलहाल स्मोक के बगल से जो बंदा मेरे को डैमेज किया था उसे मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अपनी टीम का एक आखिरी बंदा था लेकिन सेक में भी बंदे थे, मैंने बोला कि भाई अब ये कोब आर्मी अपने किसी काम की नहीं है, इससे अब कवर बनाना ही पड़ेगा और इसको हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं। अब दिक्कत सिर्फ एक बात की थी कि अगर इधर साइड से कोई बंदा फ्लैंक कर जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पीछे साइड एक स्मोक करने का ट्राई किया लेकिन फिर मैंने नहीं किया स्मोक, क्योंकि अगर मैं स्मोक कर देता तो ऐसा हो सकता था कि वो लोग स्मोक में ग्रेनेड करें और यहाँ डाउन ब्रिज पे वो ग्रेनेड जंप करके आ जाए और भाई यहाँ पे मैं नॉक हो जाऊँ, उसके बाद हम पे अंधा पुश हो जाए। तो पूरा हमें सोच समझ के एक एक कदम उठाना था। जोन एकदम छोटा हो गया फिर से और जोन अभी भी हम पे था, तो ये भाई बहुत अच्छी बात थी और बहुत अच्छी सही किस्मत चल रही थी अभी तक हम लोगों की। भाई बंदे गाड़ियां चढ़ा रहे, सैलमोन भाई घूम रहे इस लास्ट जोन में। सामने बंदा है वो जो स्मोक हो रहा है 160 पे,
अब यहाँ पे स्मोक के आर पार बंदा मार रहा था हमें। लो भैया कजीरो भैया हो गए नॉक, और मैंने स्मोक करके कवर बनाया कि वो बंदे का विजन ब्लॉक हो जाए, उसी टाइम पे कजीरो नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कजीरो को हील करता हूँ, रिवाइव करता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं हम पे पुश ना हो जाए कहीं से, उसी चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहना था। मैंने अपने टीममेट से बोला कि जल्दी तुम्हारे पास जितने भी स्मोक हो वो मुझे दे दो। और अब यहाँ पे आप लोग भाई दिमाग देखो आप लोग कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक पीछे की साइड स्मोक किया, मैंने यहाँ पे एक डाउन रिच पे स्मोक किया, डाउन रिच पे स्मोक किया मैंने इसलिए कि अगर कोई बंदा सामने की तरफ से आ जाता है, ये गट्ठा जो था घास का उसके पीछे कोई आ जाता है तो भाई उसके पास हमारा विजन ना रहे। अब पीछे के साइड से बंदे भाग रहे थे स्पाइडरमैन वेब शूटर का यूज करके, मैंने ट्राई किया उन्हें नॉक करने का, लेकिन थोड़ा सा भाई वो बच के निकल गए वहां से। अब पीछे के साइड स्मोक हुआ था दूर मेरे वाले स्मोक के पीछे, पड़ी भाई AWM। लो भैया AWM वर्सेस कार 98 और स्पॉटर मोड नॉक। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत वाला सीन होने वाला है, बस आप लोग देखो क्या होने वाला है। भाई जोन से नॉक हो गया ये बंदा, किल भी गया, किल भी किसी और ने ले लिया, पूरा डैमेज हमारा, किल किसी और का। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत थी, भाई मुझे फ्लैश दिखा था उस बंदे का जस्ट, और मैंने उसी फ्लैश में मारा और वो वहां पे वो बंदा नॉक हो गया, और उसी टाइम पे स्पाइडर ने एक और बंदे को नॉक कर दिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम मिल गया हील वगैरह करने का और बंदे वगैरह स्पॉट करने का। मेन सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे इस साइड की थी कि अगर इधर से कोई भी एक या दो बंदे आते हैं तो भाई वो हमारी यहाँ पे बड़ी इजिली पेटी बना देंगे। अब जरा इस बंदे को देखो आप, भाई बंदे इतना ज्यादा खतरनाक खेले, मतलब गाड़ी के नीचे भाई मुझे दिख भी नहीं रहा है कि वहां से कोई जगह भी है भाई मारने की, लेकिन बंदों ने यहाँ पे मुझे नॉक कर दिया। अब यहाँ पे भाई गलत वाला सीन अब चालू होने वाला है, स्पाइडर भी डैमेज, बुश पे आया है सामने लेफ्ट साइड में। 3v5 की फाइट चल रही थी भाई यहाँ पे, मैंने सबसे पहले तो ये सामने की तरफ एक स्मोक किया। अब ये स्मोक मैंने इसीलिए किया क्योंकि अब उन बंदों को जोन में आना है, और यहाँ पे भाई साहब उनके पास हमारा विजन नहीं रहेगा। इस टीम का एक बंदा जोन से गया, एक बंदे को मैंने फिनिश किया, एक और बंदे को फिनिश किया जोन से जो आ रहा था। भाई क्या खेल रहे थे ये बंदे, मतलब स्मोक के आर पार मार रहे हैं। मैंने उनके मुंह पे एक स्मोक मारा जिससे कि वो ब्लाइंड हो जाएं। अब ये स्मोक मेरा लास्ट स्मोक था, तो मैंने यहाँ पे पूरा सोच समझ के स्मोक फेंका उनके मुंह पे उन्हें ब्लाइंड करने के लिए, क्योंकि उनके पास कवर के लिए सिर्फ एक ही जगह थी। देन उसने ब्लाइंड करके सीधा स्मोक के पीछे के साइड ग्रेनेड फेंका, क्योंकि स्मोक के पीछे सिर्फ एक ही गड्ढा था जहाँ पे पूरी टीम हो सकती थी। एंड बुलज़ाई यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक किया। अब इन नेड से ये बंदे डैमेज तो हुए होंगे, अब जैसा कि मैंने सोचा था इसे अगर मारना है मुझे तो स्मोक के बाहर कवर छोड़ के आना पड़ेगा मारने के लिए, और इसने भाई वैसा ही किया और हमारे जाल में फंस गया, और उसी के साथ यहाँ पे भाई साहब ये वाली स्क्वाड की पेटी बन गई। तो आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा गाइज,
कमेंट करके बताना, क्योंकि आज के गेम प्ले में भाई बहुत सारी रोटेशन टैक्टिक्स और भाई जो आईक्यू लगाया ना भाई वो गलत लेवल का, और खासकर स्मोक्स और ग्रेनेड्स का जो यूज किया गया है वो भाई बहुत ज्यादा प्यारा था। तो आप लोग को अगर आज का गेम प्ले अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और जिन लोगों ने भी अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे कमाल के गेम प्ले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। और हाँ, उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया जो ऑल पे भाई बकलोली पेल रहे थे ना, गनाप सनाप बोल रहे थे, तो उनके लिए भी बोल देना गाइस RIP हेटर्स इन द चैट। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।